भारतीय मूल के सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कभी भारतीयों को अधनंगा कहने वाली ब्रिटेन पर होगा भारतीयों का दबदबा। ऋषि सुनक ब्रिटेन में क्यों है इतने पॉपुलर? भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर ब्रिटेन वासियों को क्यों है इतना भरोसा? ऋषि सुनक के जीतते ही पाकिस्तानियों को क्यों लगी इतनी मिर्ची? और पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक को किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा? इस वीडियो में इन सभी विषयों पर जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहली बार वो खबर आई है जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। ब्रिटेन में नया इतिहास बन गया है। ऋषि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 200 साल भारत को गुलाम रखने वाले यूनाइटेड किंगडम को अब एक भारतवंशी ही चलाएगा। ब्रिटेन ने दीपावली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना है। दिवाली के मौके पर भारत के लिए ये बड़ा तोहफा कहा जा सकता है कि भारतीय मूल का एक शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है जो कि 200 साल से ज्यादा भारत पर राज कर चुके हैं। ये पहली बार होगा जब कोई इंडियन यूनाइटेड किंगडम में सरकार चलाएगा। एक दौर था जब ब्रिटेन में 1940-45 तक बने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता मुफ्त खोरों और गुंडों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत कमजोर हैं, भूसे के पुतले जैसे, और महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर बताया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त की खासियत यही है कि वो कभी भी पलट सकता है, और आज उसी ब्रिटेन की कमान भारतीय मूल के शख्स में आ गई है। देश में 200 साल से राज करने वाले अंग्रेजों के घर में भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ब्रिटेन में भारतीय मूल की आबादी 16 लाख से ज्यादा है, जबकि ब्रिटेन का जब भारत पर शासन था उस वक्त 1.44 लाख ब्रिटिश भारत में रहा करते थे। राजनीतिक हो या शिक्षा, हर प्रोफेशन में भारतीयों का दबदबा है। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही, लिज ट्रस की जगह लेंगे। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री के रेस में ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डंट शामिल थे। बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई, और इसी के साथ इकलौती उम्मीदवार बची ऋषि सुनक, जिनके नाम का ऐलान कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी 1922 में बनी कमेटी ने कर दिया। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के होंगे। ऋषि सुनक को पार्टी का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव सांसदों की पसंद रहे क्योंकि वो वित्त मामलों की काफी समझ रखते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर पिता यशवीर और फार्मासिस्ट माँ उषा के बेटे ऋषि सुनक का जन्म यूके में हुआ था। सुनक ने ब्रिटेन के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से शिक्षा हासिल की है। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की। और क्या आप लोगों को पता है, पीएम बन चुके ऋषि सुनक स्कूल की छुट्टियों के दौरान साउथ थेम्पन में एक भारतीय बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लिए कैसे होंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को उन पर गर्व है। जैसे ही ऋषि सुनक के पीएम बनने की खबर आई है, हर जगह यही चर्चा होने लगी है कि अब एक भारतीय ब्रिटेन को चलाएगा। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। पाकिस्तान के लोगों ने अचानक ऋषि सुनक को लेकर एक दावा किया जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। दरअसल पाकिस्तान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि कैसे एक भारतीय ब्रिटेन की कमान संभाल सकता है। पाकिस्तान ऐसा बौखला गया है कि उसने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म स्थान गुजरांवाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार वो एक भारतीय और पाकिस्तानी दोनों हैं। लेकिन ये बात बोलते ही पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान की तरफ से हर मुद्दे पर बयान तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बेइज्जती होती है उसकी परवाह कोई पाकिस्तानी नहीं करता। पाकिस्तान तो ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, लेकिन
लेकिन क्या आपको पता है भारतीय मूल के बने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक क्यों है इतने पॉपुलर? नहीं तो आइए जानते हैं। साल 2015 में यॉर्कशायर की रिचमंड सीट जीतकर ऋषि सुनक का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। साल 2017 में दूसरी बार सांसद बने और साल 2018 में मंत्री बने थे। साल 2019 में तीसरी बार सांसद बने, फिर साल 2020 में 13 फरवरी को बोरिस जॉनसन सरकार में ऋषि सुनक कैबिनेट विस्तार में वित्त मंत्री बनी थी। ये वो दौर था जब कोरोना आ चुका था। उस दौर में सुनक के उठाए वो कदम जिन्होंने उन्हें पॉपुलर बना दिया। उन्होंने मार्च 2020 में जॉब रिटेंशन स्कीम की शुरुआत की, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी और इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लागू था, काम धंधा बंद था, जिसके चलते नौकरियों पर भी संकट आ गया था। इसी संकट को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार में रहे ऋषि सुनक ने नौकरी बचाओ योजना शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों के सभी कर्मचारियों की कुल सैलरी और एम्प्लॉयर कास्ट का 80% हिस्सा सरकार देती थी। इसके तहत कर्मचारी को मंथली 2.34 लाख रुपए की मदद मिल रही थी। सुनक के उठाए इस कदम ने उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में क्या कहा? ब्रिटेन के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि मैं ऋषि सुनक ईमानदारी से काम करने का वादा करता हूँ और मैं जिस पार्टी से प्यार करता हूँ उसकी सेवा करना और अपने देश को कुछ वापस दे पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम एक गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में आर्थिक तंगी एक बड़ा संकट है, हमें अब स्थिरता और एकता की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी पार्टी और अपने देश को एक साथ लाना ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही एक तरीका है जिससे हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करेंगे। मैं ईमानदारी के साथ दिन रात काम करूंगा और ब्रिटेन के लोगों की सेवा करूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में कठिन परिस्थितियों के दौरान देश को लीड करने के लिए पिछली प्रधानमंत्री लीज ट्रस को धन्यवाद भी किया। ऋषि सुनक ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय हैं, उन्हें ब्रिटेन के लोग काफी पसंद करते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर ब्रिटेन वासियों को क्यों है इतना भरोसा और ब्रिटेन के लोगों ने क्यों बनाया उन्हें पीएम? तो दरअसल बात ये है कि ब्रेग्जिट से अलग होने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार लटखड़ा रही है, सरकार जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रही है। ऐसे में ब्रिटेन की पब्लिक नाराज है, वो टैक्स में छूट चाहती है। लिज़ ट्रस अपने इस वादे में नाकाम रहने के बाद 45 दिन में ही इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन सुनक के पास ब्रिटेन के इस स्थिति से उभरने का पूरा प्लान है। वो इस मुसीबत से देश को निकालने का हुनर जानते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने लंदन में अपने कंजर्वेटिव पार्टी के साथ इंटर्नशिप की थी और हेज फंड मैनेजर के रूप में काम करने का ऋषि सुनक का ये अनुभव उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आभा देता है जिसपे कठोर आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भरोसा किया जा सकता है, जिसमें लिज़ ट्रस बुरी तरह असफल साबित हुई है। सुनक ने अपने चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि मैं सांसद में टैक्स को कम कर दूंगा, लेकिन मैं चुनाव जीतने के लिए टैक्स में कटौती नहीं करता, मैं टैक्स में कटौती के लिए चुनाव जीतता हूँ। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पीएम पद संभालने के बाद उन्हें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आने वाली है। नंबर 1, आर्थिक चुनौती। ब्रिटेन मंदी और बढ़ती ब्याज दरों का बुरी तरह से सामना कर रहा है। इंग्लैंड महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को बढ़ती लागत और गिरती आय का सामना करना पड़ रहा है। तो बजट को संतुलित करने के लिए पीएम सुनक को खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। इसके अलावा टैक्स बढ़ोतरी
मौके पर भी नजर रखनी होगी। नंबर टू, राजनीतिक चुनौती। ऋषि सुनक की दूसरी चुनौतियों में से एक ये भी है कि उन्हें दिखाना होगा कि वो एक कंजर्वेटिव पार्टी को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके पास सांसद में एक बड़ा बहुमत है, लेकिन पार्टी एक गुटों में बटी हुई है जो ब्रेग्जिट के अलावा कई मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते हैं, और पार्टी में कई लोगों द्वारा टैक्स का कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग स्वास्थ्य और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र पर खर्च में कटौती का विरोध करेंगे। अब देखना ये है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन वासियों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं या नहीं, और ऋषि सुनक ब्रिटेन के सही पीएम साबित होंगे या नहीं, और वो अपने गुटों में बटी हुई पार्टी को एक कर पाएंगे या नहीं।